ऐसी प्रेस करनी है और देखोगे आप तो हिलती रहेगी। ये देखो, ये अगर ऐसी हिलती रही तो आपको समझ जाना है कि आपके जो पीछे के शॉक अब्जॉर्बर है वो एकदम खराब है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंडटेक में। दोस्तों, हमारी जो कार होती है उसमें पीछे का सस्पेंशन होता है और पीछे का सस्पेंशन जैसे हमारी कार पुरानी हो जाती है तो वीक होने लगता है या खराब होने लगता है, तो हमें पता नहीं होता कि ये जो सस्पेंशन है किस तरह चेक करते हैं और किस तरह उसको रिप्लेस करते हैं। तो चेक करने का एकदम आसान तरीका है, एक दो तीन तरीके है चेक करने के, वो तरीके मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद उसको रिप्लेस कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। आपकी कार चाहे कौन सी भी कंपनी की हो उसमें पीछे इस तरीके के शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, तो कुछ में स्ट्रट लगे होते हैं तो उसमें भी सेम तरीका है। इसमें आपको शॉक एब्जॉर्बर सिर्फ देखना है, ये देखो ये इस पर मिट्टी वगैरह है, मिट्टी होने दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिट्टी ये ऑयल में भिगी हुई है। अगर ऑयल बाहर आ गया है आपके शॉक एब्जॉर्बर से तो आपको समझ जाना है कि आपका जो शॉक एब्जॉर्बर खराब हो गया है या फिर वीक हो गया है। तो वीक और खराब हो गया है तो आपको रिप्लेस करना पड़ता है। वीक हो गया है तो थोड़ा बहुत चला सकते हो, लेकिन खराब हो गया है तो मतलब ज्यादा नहीं चला सकते आप, पूरा मतलब कंफर्ट चला जाता है गाड़ी का। ये जो तरीका है इसमें अगर आपके शॉक अगर छोटे मोटे वीक है तो नहीं पता चलेगा, तो वो ऑयल आपका लीक है उससे ही पता चलेगा। इसमें क्या करना है आपको, आपकी गाड़ी है ना थोड़ी एक दो बार प्रेस करनी है और प्रेस करने के बाद आप जब गाड़ी छोड़ते हो तो हिलनी नहीं चाहिए, तुरंत स्टॉप होनी चाहिए। ये गाड़ी अभी इसका सस्पेंशन पूरा मतलब खराब है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर दोनों खराब है। तो इसमें देखो मैं एक दो बार प्रेस करता हूँ गाड़ी और छोड़ देता हूँ, ये देखो ये छोड़ दी, फिर भी दो तीन बार हिल रही है। तो ऐसी हिलनी नहीं चाहिए, ऐसी हिल रही है इसका मतलब है इसके शॉक एब्जॉर्बर एकदम पूरे खराब हो गए हैं। अभी देखो पीछे का व्हील निकाल लिया है, व्हील निकालोगे तो एकदम प्रॉपरली आपको दिखाई देता है। ये देखो ये जो शॉक अब्जॉर्बर है इसकी कंडीशन आप देख सकते हो, मतलब क्या हालत हो गई। ये जो डस्ट कवर या फिर बफर टूटा हुआ है वो तो अलग बात है, वो टूटा है तो मतलब इतना ये नहीं है, मतलब शॉक अब्जॉर्बर वो दोनों अलग बात है। ठीक है, ये देखो ये शॉक अब्जॉर्बर होता है ना, इसमें एक ऑयल सील लगा हुआ होता है और ये शॉक अब्जॉर्बर है उसके अंदर ऑयल और हाई प्रेशर से नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। जब ये ऑयल सील खराब हो जाता है तो नाइट्रोजन तो चला ही जाता है, गैस होता है वो, और ऑयल जो है ये बाहर आने लगता है, धीरे धीरे बाहर आता है, थोड़ा बहुत बाहर आता है तो पूरा मतलब ख़राब नहीं होता। जब पूरी तरह से ऑयल बाहर चला जाता है तो शॉक एब्जॉर्बर की इस तरह हालत हो जाती है और पूरी गाड़ी हिलने वगैरह लगती है, पीछे से पूरा अनकम्फर्टेबल होती है और अनबैलेंस होती है, आप भगा भी नहीं सकते और टर्निंग में वगैरह बहुत मतलब मिसबैलेंस होने लगती है गाड़ी। तो जब भी आप चेक करते हो गाड़ी अपनी या फिर आप नीचे झुक के वगैरह देखोगे तो शॉक एब्जॉर्बर आपको सिर्फ चेक करने हैं, ऑयल बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है उतना ही देखना है। और जो प्रेस करने के जो मैंने तरीका बताया गाड़ी प्रेस करने का, उससे आप पूरी तरह ख़राब हो गया है या फिर अच्छा है ये देख सकते हो। तो अभी ये खोलना है हमें, तो इधर देखो 16 नंबर के दो बोल्ट है ये निकाल दूंगा और इधर एक नट बोल्ट है 16 नंबर का वो निकाल दूंगा, तो शॉक एब्जॉर्बर की असेंबली है ये बाहर आ जाएगी। बाहर निकालता हूँ और कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। देखो पूरी असेंबली अभी बाहर निकाल दी और ये देखो इसमें कुछ रहा ही नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस ही नहीं रहा है ज़रा भी, ये मतलब ऐसा हार्ड होता है और मतलब पूरा नीचे प्रेस कर देते हो तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाना चाहिए नाइट्रोजन के प्रेशर से, ये तो ऊपर तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होता है वो भी चला गया है। पूरा आप नीचे दबा देते हो ना तो ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस महसूस होता है, ऊपर तो ज़रा भी रेजिस्टेंस इसका महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये जो 16 नंबर का इसमें नट है ये निकाल देना है। तो हमारे पास इम्पैक्ट रेच है उसे मैं निकाल देता हूँ, तो ये इस तरह पैर रख के ये देखो ये निकल गया, ये देखो ये माउंट निकल गया, इसका माउंट ओके है, माउंट के अंदर रबर के पार्ट्स रहे थे, ये देखो ये रबर का पार्ट है, ये एकदम प्रॉपर है, ये कटा हुआ होता है तो माउंट भी रिप्लेस करना पड़ता है। इसका ये बपर वगैरह कटा हुआ है, ये देखो बपर और डस्ट कवर वगैरह ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर है ये देखो ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी हमें लगने वाले पार्ट है जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर और शॉक एब्जॉर्बर किट है, वो हमने बुडमू से मंगाया है। तो बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा हुआ है, उस पार्ट का पार्ट नंबर क्या है, उस पार्ट की प्राइस क्या है ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली जितने भी पार्ट है वो 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं। डिलीवर हो जाने के बाद भी अगर वो पार्ट आपको नहीं चाहिए, नहीं बैठ रहा है, तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके आपका रिफंड ले सकते हो। बुडमू ये जो ऐप है वो काफ़ी कमाल का ऐप है, तो उसकी जो लिंक है ऐप की ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
ये देखो ये शॉक एब्जॉर्बर में दबा था उन्हें नीचे, तो मुझे भी थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। ये देखो थोड़ी ताकत से प्रेस करना पड़ रहा है, और ये देखो ये गैस की प्रेशर ये ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा है। और पुराना तो आपने देख ही लिया, फिर से दिखाता हूँ, जो पुराना है ऊपर भी मुझे ही उठाना पड़ रहा है, और नीचे दबाने के लिए ज़रा भी ताकत वगैरह नहीं लगानी पड़ रही। जब नीचे जाता है पूरा, मतलब इतना नीचे जाता है, तभी थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही, क्योंकि इसमें ऑयल है एकदम कम बचा हुआ है इसके लिए। ठीक है, तो अभी इसकी सारी फिटिंग करेंगे, तब तक ये जो माउंट वगैरह है इस पर जो सारा ऑयल डाग वगैरह है ये पूरा साफ करके लेता हूँ, क्लीनिंग कर लेता हूँ, और फिटिंग कैसे करना है दिखाता हूँ। अभी जो जो चीज़ें हैं उसको असेंबल करेंगे। ये देखो ये बपर है, उसको ये जो डस्ट कैप है इसमें लगाना पड़ता है। ये देखो ये इस तरह प्रेस करके लगाओगे तो लग जाता है। इसके बाद जो बपर है इसको माउंटिंग में प्रेस करके लगाना पड़ता है। ये देखो ये लग जाता है, माउंटिंग भी हमने साफ करके ले लिया। ठीक है, इसके बाद ये सिर्फ इसके ऊपर चढ़ाना होता है। ये देखो, मतलब ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो ये लग जाता है इस तरह, और इसके ऊपर ये देखो ये 16 नंबर का नट होता है, उसको टाइट करना होता है। ठीक है, ये नट टाइट कर दोगे तो आपकी जो असेंबली है ये पूरी बन जाएगी, और उसके ऊपर ये डस्ट कैप है ये लग जाती है। तो इतनी इजीली हमारी जो रियर शॉक अब्जर्वर है उसकी असेंबली बन गई। ये देखो, और एकदम प्रॉपरली काम भी कर रही है। देखो ऊपर भी आ रहा है, और नीचे भी जाते समय रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, मतलब एकदम सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। मतलब जो हमारा काम है हमारा शॉक अब्जर्वर असेंबल करने का, वो पूरा हो गया है। अभी कुछ मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, इसको लगा देना है जैसे निकाला था अंदर, और इधर एक नट बोल्ट डाल देना है। तो इतना कर दोगे तो अपना जो शॉक अब्जर्वर ये फिट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये नीचे आ जाता है ना, इसके नीचे एक जैक लगाना पड़ता है, तो नट बोल्ट एकदम प्रॉपरली लग जाता है। तो वो सब लगा लूँगा मैं, और आपको फाइनल मैंने पहले चेक करके दिखाया था कितनी हिल रही थी, और ये लगाने के बाद उस साइड का भी लगा दूंगा, और प्रॉपर मतलब फाइनल चेक करके दिखाऊंगा। अभी देखो शॉक एब्जॉर्बर रही या फिर उसके जो बपर वगैरह है, सारी असेंबली एकदम प्रॉपरली बैठ गई। उसके बाद व्हील भी लगा दिया, उस साइड का भी लगा दिया। अभी मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, मतलब पहले आपने देखा था, अभी फर्क देखो। अभी देखो मैं प्रेस करता हूँ, मतलब पहले जैसा इजीली प्रेस हो रहा था वैसा नहीं हो रहा है। ये देखो मैं पूरी ताकत वगैरह लगाता हूँ, ये देखो तो भी इतना प्रेस नहीं हो रहा है। मैं देखो मैं पूरा पैर उठा के पूरा मैं वज़न डाल रहा हूँ ना, तो भी इतना मतलब पहले जितना प्रेस नहीं हो रहा है। और मैं फिर भी कोशिश करता हूँ ना दबाने की, तो तुरंत स्टॉप हो रहा है। मतलब ऐसा सस्पेंशन होना चाहिए, पहले आपने देखा था कितना हिलता था, तो अभी एकदम प्रॉपरली हो गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए।